प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में मैं आचार्य अंकुर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरा जो आज का विषय है वह छोटी और बड़ी सभी कक्षाओं के लिए है। तो आओ बच्चों, रुक करते हैं अपने विषय की ओर। हमारा आज का विषय है अव्यय शब्द। छठी कक्षाओं के बच्चों के लिए तो अव्यय शब्द अनिवार्य ही है, क्योंकि पाठ में अनुवाद में इन शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन साथ साथ ही बड़ी कक्षाओं के लिए भी, जो हमारी नवीं और दसवीं की कक्षाएं हैं, उन्हें भी बोर्ड की परीक्षाओं में भी 5 नंबर का रिक्त स्थान अव्ययों पर आधारित होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम अव्यय शब्द और इनकी परिभाषा समझते हैं कि क्या होती है। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन और काल के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब हम अव्यय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, अजमा व्यय अर्थात न व्यय, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। तो बच्चों, ये प्रमुख अव्यय है, इन्हें आप देख लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहला है हयः। हयः का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट में। श्वः होता है फ्यूचर में, हमारा आने वाला कल। अत्र, अत्र यहाँ। कुत्र कहाँ। सर्वत्र, सर्वतः, सब और। सर्वतः और सर्वत्र तो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है बच्चों। प्रातः का सुबह, शीघ्रम का जल्दी, तथा वैसे ही, क्योंकि, मुहुर्मुहु बार बार, नूनम निश्चय, क्व कहाँ। संस्कृत के पाठों में इन शब्दों का बारंबार प्रयोग होता है। और बच्चों, उच्चारण देख लो, मैं कैसे उच्चारित कर रहा हूँ शब्दों को। ततः इसके बाद, यत कि, तत्र वहां, सर्वत्र सब जगह, ईश्वरः सर्वत्र, ईश्वर सब जगह है। अतः इसलिए, पृथक अलग, यथा जैसे, नित्यम प्रतिदिन, सहसा अचानक, शनैः धीरे, उपरि ऊपर, एवं इस प्रकार। तो बच्चों, ये कुछ प्रमुख अव्यय मैंने आपको बता दिए। आप व्याकरण के आधार से भी अनेक अव्ययों को सीख सकते हो, उच्चारित कर सकते हो और नोट कर सकते हो। राधे राधे बच्चों।